हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। अगर दूसरे दिन की बात करें तो शुरुआती विकेट्स भारत की बड़ी तेज़ी से गिरी हैं। जी हां, आपको बता दें, जिस तरह से कल केएल राहुल जो हैं वो पहले ही आउट हो चुके थे, पिछले दिन यानी कि डे वन की बात कर रहे हैं। डे टू की शुरुआत में ही आर अश्विन और उसके बाद चेतेश्वर पुजारा, और अब दोस्तों जो बड़ी विकेट ऑस्ट्रेलिया के हाथ लगी है वो है विराट कोहली की। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली 12 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए हैं। लंच ब्रेक हुई थी, उसके बाद पहली ही गेंद पर विराट कोहली जो है आउट हो चुके हैं। हालांकि रोहित शर्मा अभी भी क्रीज पर टिके हुए हैं और अच्छा भी खेल रहे हैं। वेल, दुआ यही करेंगे कि वो अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए। लेकिन ये जो शुरुआती विकेट्स गई हैं ये वाकई भारत के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। और विराट कोहली की जो विकेट गई है दोस्तों, आपको बता दें कि 12 रन पर विराट कोहली आउट हुए हैं। और ये सारे के सारे विकेट्स जो हैं इंडिया की, वो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर टॉड मर्फी को मिली हैं। बेहतरीन गेंदबाजी दिखाई है टॉड मर्फी ने और 4 विकेट्स ली हैं इंडिया की।